दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम सहारनपुर के गुगाल के मेले में पहुंचे हैं जो बहुत ही पुराना है, बहुत ही ऐतिहासिक है। हमारे पापा के टाइम से हम इस मेले में आ रहे हैं। एक्चुअली 2 साल से कोरोना के पैंडेमिक के कारण ये मेला नहीं लग रहा था, जिसके कारण हम यहाँ पे आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस के बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम है, तो आप देखिएगा। हाय दोस्तों, देख रहे हैं आज हम सहारनपुर में गुगाल के मेले में। गुगाल का मेला लग चुका है यहाँ पर, और 3 दिन के छड़ी के मेले के बाद अब हम गुगाल के मेले में आए हैं। 3 दिन का वीडियो हमने वो अपलोड कर दिया था। देखिए हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे घूम रहे हैं। बाकी दोस्त कहाँ है भाई? अरे दो गायब हो गए भाई, रुक जाओ अभी दिखा। भरेंगे नहीं भरने की जरूरत है दोस्तों। हमारा चलान भी कट गया यहाँ पे। एक्चुअली हम ट्रिपलिंग कर रहे थे, हमारा चलान भी कट गया। एक्चुअली हम 2 बाइक पे 5 लोग आए हैं। तो देखिए हम 5 हैं आज, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये रहा पीछे। तो आज सभी हम लोग घूमने जा रहे हैं गुगाल के मेले में। तो देखिए दोस्तों हम आपको दिखाएंगे, अभी हमने जैसा आपको दिखाया फ्रंट में गुगाल के मेले का एंट्रेंस, और अभी जैसे आप देख रहे हैं पीछे से भीड़ आ रही है, तो सभी दोस्त जा रहे हैं। तो जैसे भी आगे लोकेशन आती है तो हम वो आपको दिखाएंगे। अभी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर होगा, हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें उतना कर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाएंगे कि क्या मेले में है और क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं, और स्पेशली हम सहारनपुर का जो लकड़ी का कारोबार है वो स्पेशल वहाँ पे क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे आप जानते हैं सहारनपुर में लकड़ी का कारोबार बहुत मशहूर है, ऑल ओवर इंडिया में मशहूर है। तो दोस्तों मिलते हैं अभी हम आगे, तो अभी थोड़ा सा चल लें और देख लें आगे क्या है, तो मिलते हैं आगे। चलिए तो देखिए गाइस, हम मेले के फ्रंट पे एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्रंट गेट है, और यहाँ का डेकोरेशन आप देखिए, और उसके बगल में देखिए आप ये 3 आपको मंदिर दिख रहे हैं, 5। ये यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है जो हम आपको भी दिखाएंगे। जो भी मेले में आता है सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करता है। देखिए मेरा दोस्त भी यहाँ मुझे मिल गया। पहली बात तो हम ये अपने 5 दोस्तों के साथ आए हैं, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये भैरव बाबा जी का मंदिर है, भैरव बाबा और काली माता जी का। तो जो भी इस मेले में आता है सबसे पहले जिसको श्रद्धा होती है, एक्चुअली जिसको श्रद्धा होती है वो सबसे पहले मंदिर में आते हैं। यहाँ पे वो प्रसाद चढ़ाते हैं भैरव बाबा जी को और काली माता जी को। एक्चुअली यहाँ का नियम ये है कि जो मेले में छड़ी होती है वो वहाँ 3 दिन ख़त्म होने के बाद माड़ी पे वो यहाँ पर आ जाती हैं उठ के, और यहाँ पे आने के बाद वो पूजी जाती हैं और लोग यहाँ पे आके प्रसाद चढ़ाते हैं, और जब तक मेला ख़त्म नहीं होता वो यहाँ पे रखी रहती हैं। कि आप देख रहे हैं यहाँ से मेले की शुरुआत हो चुकी है। ये मेले का पहला काउंटर है जो कि काउंटर है सागर स्मोक के नाम से। यहाँ पे कुछ स्पेशल पान तैयार होता है लोगों के खाने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्मोक कर रहे हैं कटोरी बाउल में लेके, तो दोस्तों हमें तो समझ नहीं आ रहा है ना, देखने से समझ नहीं आता, तो हम करके देखेंगे गाइस। चलिए देखते हैं। तो गाइस देखा ना आपने, हमने स्मोक पान के साथ स्मोक बाउल के साथ बहुत इन्जॉय किया, और हमने स्मोक को बहुत उड़ाया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मेले की शुरुआत होती है। हम एंट्रेंस में आ चुके हैं अंदर, और छोटे छोटे काउंटर ये मेले को बहुत ही लोकप्रिय बनाते हैं, बहुत ही अच्छा बनाते हैं। फ्लावर का एक छोटा सा काउंटर है, और देखिए सामने दोस्त बुला रहे हैं, कहते चलिए आगे चलिए। देखिए मेरे लेफ्ट में दोस्त, आप लोग दोस्तों देख रहे हैं छोटा सा एक टेडी बियर का और काउंटर है जो बहुत ही अच्छा है, जैसा आपने देखा। और सामने देखिए लाइटिंग, और सामने जो आप देख रहे हैं वो हिंडोले का झूला है, बहुत ही फेमस है। ये देखिए छोटी छोटी टेडी बियर्स की दुकान है, बैंगल्स की दुकान है, छोटे छोटे काउंटर हैं दोस्तों, और ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही सामान होता है। बस लोगों को पता होता है कि सस्ता सामान है तो वहाँ से लेना है। ये देखिए दोस्तों अब हम इस काउंटर पर पहुँचे हैं जहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ और ख़ुद इंजॉय कर रहे हैं एक गन के साथ। छोटे छोटे बलून्स हैं, इनको शूट कर रहे हैं, देखिएगा आप। तो गाइस देखा ना आपने, यहाँ पे छोटे छोटे काउंटर्स लगे हैं, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। और ये देखिए कैंप है मेला गुगाल का, और यहाँ पे देखिए दोस्तों इस काउंटर पे लगाया है हर एक दाम 70 रुपीज़। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी सामान है वो पर सामान पर हेड 70 रुपीज़ का है, चाहे वो कुछ भी हो। देखिए टेडी बियर्स हैं, गन्स हैं, बच्चों के छोटे छोटे खिलौने हैं, टॉयज हैं, तो ये सब पर पीस आपको 70 रुपीज़ का पड़ने वाला है। गाइस हम आपको वो मोमेंट दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद देखने के बाद आप सोचेंगे कि आपको अपना बचपन याद आ जाएगा यार। ये
ये मोमेंट ऐसी है ना कि बस पापा मुझे ये पसंद है, मुझे लेना है, और पापा पैसे दे रहे हैं और पापा के पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो बेटा कहता है नहीं पापा मुझे तो चाहिए यही चाहिए, मुझे तो यही लेना है पापा। तो मुझे दोस्तों मुझे तो अपना बचपन याद आ गया, मैं बचपन में बिल्कुल ऐसे ही करता था, एक ही जगह दो चीज़ें ले लेता था, क्वांटिटी चाहिए थी एक्चुअली ना मुझे क्वांटिटी पे फोकस रहता था चाहे भले सस्ती हो। ये देखिए छोटी सी बोट, ये तो मैंने बहुत ली है यार बचपन में, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती थी चलती कैसी है, तो देखिए बस चल रही है और नाव हम देखे जा रहे हैं इसको, फुल वोटिंग हो रही है यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना बचपन में जो हम लोग कभी नहीं भूल पाते हैं, जैसे मेला, इस मेले में हम बचपन से आ रहे हैं दोस्तों, सहारनपुर में इतना टाइम हो गया ये मेला लगे हुए, बस कोरोना के पैंडेमिक के कारण 2 से 3 साल में ही मेला नहीं लगा है, उसके बाद वो हमने नहीं देखा, उसके बाद से तो हम ये मेला देख ही रहे हैं कंटिन्यूसली। गाइस ये देखिए बबल, ये अंकल जी बबल्स छुड़ा रहे हैं, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मेरी वीडियो नहीं बनाना है, और हमको क्या करना है वीडियो बनानी है, तो देखिए अंकल को कितना गुस्सा आ रहा है, सॉरी अंकल गाइस सामने छोटे छोटे काउंटर्स हैं और सामने डोला झूला दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए गाइस यहाँ पर परी के नाम से कोई छोटा सा काउंटर है, तो इन्होंने एक छोटा सा काउंटर दिया है, तो देखते हैं हम ये क्या दे रहे हैं, कितने पीस हैं इसके अंदर, कौन सा साइज़ था आपने कहा कि छोटे छोटे काउंटर्स हैं, एक्चुअली ये पैम्पर्स बच्चों के जो डायपर होते हैं उनका काउंटर है, परी ब्रांड है ये, तो ये डायपर को सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को, तो बहुत ही अच्छे एफर्ट लगा रहे हैं, इनका सेल भी हो जाएगा। आगे हम और भी काउंटर्स देखते हैं, जैसे ये घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है उसका एक काउंटर है, कंपनी ने यहाँ पर छोटा काउंटर दिया है जहाँ पर ये परचेज कर रहे हैं, कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे कोई कस्टमर अभी आएंगे तो ये उसको दिखाएंगे। एक्चुअली एक काउंटर ये भी है, और ये भी बच्चों के पैम्पर डायपर का एक काउंटर है जो यहाँ पर इन्होंने मेले में लगाया है, ताकि यहाँ पे इनकी अच्छी सेल हो सके, प्रोडक्ट का अच्छा मार्केटिंग हो सके, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जो इन प्रोडक्ट को देखते हैं और ख़रीदते हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे क्या है। जैसे आप देख रहे हैं ये एक हिंडोला झूला है, और सामने एक पिंक कलर का पर्पल कलर का एक आपको दिख रहा है, वो भी एक हिंडोला झूला है जो बहुत ही फेमस रहता है, तो अभी हम आगे जाएंगे और इस झूले में झूलेंगे। एक्चुअली हम उसमें ग्रीन वाले में देखते हैं, हम उस पर्पल वाले में झूलेंगे, पर्पल कलर अच्छा लग रहा है थोड़ा। देखिए गाइस मेले में इस टाइम भीड़ बहुत है और 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ विज़िट करना चाहते हैं इस मेले में। देखिए गाइस हमें तो लगने लगी है भूख, ये चाट की दुकान पे चाट देखकर गोलगप्पे देखकर हमें तो लग जाती है यार भूख। दोस्त लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं खाना है, पहले हम थोड़ा झूला झूलेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम ये चाट टिक्की वगैरह ये सब चीज़ें खाएंगे। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं आगे की ओर, थोड़ा सा एक फन एक्टिविटी है आइसक्रीम के साथ, जैसा आपने देखा होगा तो ये एक्टिविटीज़ हमारे सहारनपुर में मेले में हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखते हैं गर्ल ये बच्ची इस एक्टिविटी को कैसे करती है, देखते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए देखते हैं। हमने फन एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस मेले में सिर्फ बड़ों के लिए झूले हैं, बच्चों के लिए भी झूले हैं, जो बच्चों के कार वाले झूले हैं, छोटा सा ड्रैगन वाले झूले हैं, और भी और तरह के झूले आपको बच्चों के लिए मिल जाएंगे, ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें और बड़े भी इंजॉय कर सकें। तो ये एक ही जगह में एक मेले में अच्छा कॉम्बिनेशन है, मम्मी पापा बच्चे फ्रेंड्स सभी इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम पहुंच रहे हैं इंडोले झूले के पास। जैसे हमने दूर से दिखाया था कि ये ग्रीन वाला है, देखिए पास से आकर कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, कितनी अच्छी डेकोरेशन है, लाइटिंग इसी कितनी अच्छी है, और जैसे ये चल रहा है, एक्चुअली थोड़ा फास्ट है वीडियो में, थोड़ा स्लो दिख रहा है। तो गाइज ये ग्रीन वाले इंडोले के बगल में एक ड्रैगन वाला झूला है, तो हम इस पर भी झूलेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यार एक्चुअली लाइटिंग बहुत अच्छी है,
और देखिए भीड़ कितनी ज़बरदस्त है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर फैमिली के साथ विज़िट करना चाहते हैं तो जो सही टाइमिंग है फैमिली के साथ घूमने की वो 6 से 8 बजे या 9 बजे तक आप फैमिली के साथ घूम सकते हैं। अगर आप अकेले आना चाहते हैं, दोस्तों के साथ आना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हैं तो आप 9 बजे के बाद विज़िट कर सकते हैं ताकि आपको और भीड़ भाड़ मिल सके, ताकि आप और इन्जॉय कर सकें, फ्रेंड्स के साथ घूम सकें, फिर सकें। बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो जो सही टाइमिंग है मेले में आने की वो 6 से 9 बजे के बीच की टाइमिंग है, ताकि आप इजी घूम सकें और घर की तरफ मूव कर चुके। तो दोस्तों अभी हम इस पिंक वाले पर्पल वाले हिंडोले के पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ हमारे दोस्त लोग टिकट ले रहे हैं, काउंटर पर खड़े हैं। तो काउंटर पर लोग दोस्त देखो कितनी भीड़ है, यहाँ पर सभी लोग झूलना चाहते हैं। और इसके बगल में आप देख रहे हैं डिस्को डांस, इसको बोलते हैं डिस्को डांस क्योंकि ये गोल गोल घूमता रहता है, एक झूले पे 2 बंदे बैठते हैं और ये घुमा के रख देता है एकदम डिस्को डांस की तरह। इतने फिर हम नहीं झूल पाते जितनी तेज़ हमें घुमा देता है। ये देखिए वाटरफॉल यहाँ पे, एक्चुअली कलरफुल होता है तो अभी यहाँ पे प्लेन है। तो देखिए दोस्तों अभी हम यहाँ काउंटर की लाइन में खड़े हैं, काउंटर में बहुत भीड़ है तो टिकट लोग हमारे दोस्त लोग ले रहे हैं। तो जैसे हम लाइन में खड़े हैं थोड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे, टिकट वो लेके आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जब तक हमारे फ्रेंड टिकट लेके आ रहे हैं तो हम इस लाइन में खड़े हैं ताकि हम धीरे धीरे मूव कर सकें और वो टिकट लेके आएगा फटाफट से हम उसको बीच में लगा लेंगे। ये ट्रिक बहुत अच्छी है यार, मैं इसे हमेशा आजमाता हूँ, लाइन में फटाफट खड़ा हो जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये डेकोरेशन पर्पल वाले की कितनी अच्छी है, और फ्रेंड्स लोग यहाँ पर खड़े हैं अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो टिकट लेने गया है। जैसे वो टिकट लेके आएगा हम भी आगे की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए अभी हम 4 दोस्त हैं, एक दोस्त हमारा टिकट लेने गया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे इन्जॉय कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आता है और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखिए गाइस आप इस मोमेंट को इन्जॉय कीजिए विद द म्यूज़िक। डांस और ये मौत का कुआं और ये हिंडोला और ये मगरमच्छ का झूला।
हम ये देखिए, अब हम बादलों की आवाज ऊंचाइयों में आ चुके हैं, ऊंचाई पर है, अब हम कुएं की गहराई में है। ये देखिए, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ये इंजॉय नहीं करने दे रहा है, ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया है कान के नीचे ऐसे करके। तो दोस्तों इंजॉय करने हम आए हैं और इंजॉय करेंगे फुल एकदम। ये तो पहला झूला है, अभी हम जाएंगे, ड्रैगन वाले झूले पे, दिखाएं आपको ड्रैगन वाला झूला कहाँ है, अभी दिखाते हैं, देखिए। तो देखिए गाइस, झूले पे हमने बहुत एंजॉय किया और अभी पहुंच चुके हैं बोट वाले झूले पे, यानी कि इसको बोलते हैं ड्रैगन वाला या नाव वाला झूला भी बोलते हैं, और हम लोग बैठे हैं सबसे टॉप पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी टाइम लगता स्टार्ट होने में, भर रहे हैं लोग। देखिए दोस्तों, ये झूला अब स्टार्ट हो चुका है और हम बैठे हैं सबसे टॉप पर, जो हम दिखा रहे हैं सामने ये दूसरी तरफ का टॉप है और हम बैठे हैं दूसरी तरफ के टॉप पे। देखिए गाइस, झूला हो चुका है स्टार्ट और देखते हैं अभी ये कितने तेज झूलाएगा झूला, और जब तक हम बना रहे हैं जब तक बना रहे हैं, नहीं तो भैया जेब में रख लेंगे, नहीं तो फ़ोन भी गिरेगा और हम भी गिरेंगे। ये देखिए फुल एंजॉय हो रहा है दोस्तों, और सामने देखिए वो वाला पीछे डोले वाला झूला, वो देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, और भीड़ देखिए कितनी है, और इसकी स्पीड देखिए बढ़ चुकी है दोस्तों। अभी हम क्या करने वाले हैं, फ़ोन को रखने वाले हैं जेब में और दोनों हाथ से पकड़ेंगे और फिर झूला झूलेंगे, और मिलते हैं आपसे झूला झूलने के बाद। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम अब झूल चुके हैं, झूला रुक चुका है और अब हम चल रहे हैं। दोस्तों अभी तो हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, और सोच रहे हैं कि हम लोग खाएं क्या। तो हमने यहाँ दोस्तों ऑर्डर दे दिया है, एक्चुअली हम 5 जने हैं, तो हमने 3 टिक्की और 2 चाट का ऑर्डर दिया है, तो अभी हम इसे लेंगे और फिर खाएंगे, देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी बन रही है चाट और ये बन रही है टिक्की, और हम खाएंगे अब चाट। मैं तो टिक्की खाऊंगा दोस्तों, भैया बना बड़ी जबरदस्त रहे हैं ना। ये सब टिक्की खाने के लिए खड़े हैं दोस्तों, चलिए हम खाते हैं टिक्की। ये ले रहे हैं टिक्की का मजा, कोई चाट का मजा ले रहा, कोई टिक्की का मजा ले रहा, मैं तो टिक्की खाऊंगा ये रखी। तू टिक्की खाएगा? अबे चाट है तेरे पास, मेरी टिक्की खाएगा, मैं तेरा चाट खा लूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे चाट खा जा रहा है, और यहाँ देखिए ठंडी ठंडी हवा पीछे से, ये चल रहा है फुवारा, अच्छा ना व्यू, ठंडी ठंडी बौछार आ रही है पानी की यहाँ से। अब हम खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है। ये देखिए कितनी भूख लगी है, जबरदस्त, मैं तो सारी खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। अबे खा ले, शर्मा क्यों रहा, अच्छे से खा। ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगा, जलती हुई मोमबत्ती को इसने उड़ा दिया है, स्कॉर्पियो। ये ब्लू वाली ये पक्का नहीं।
मारोगे मोमबत्ती है का मुझे नहीं तो देखा ना गाइस हमारे सहारनपुर का मेला कितना अट्रैक्टिव था और हमने यहाँ पे फुल एंजॉय किया, आपको हर एक चीज़ दिखाई है जो मेले में है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस घर की ओर, मेले में हम घूम चुके हैं। तो ये वापसी में देखिए मेले का एंट्रेंस जो हम आपको दिखा रहे हैं, अच्छी डेकोरेशन और ये बछड़िया के पार। देखो हमने ये मिल गया खाने के लिए, घर जाके रास्ते में खाएंगे, अभी चावल भी खाएंगे, आपको दिखाएंगे मंदिर की वीडियो। अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, फाइनल शूट करने हैं हमको लास्ट। हम आ चुके हैं दोस्तों देखिए मंदिर के पास और यहाँ से फाइनल वीडियो हम लास्ट शूट करेंगे, देखिएगा। देखिए दोस्तों हमें इस टाइम फ्लाईओवर के ऊपर जहाँ से मेले का दृश्य, मेले का व्यू बहुत ही अच्छा आपको दिखने वाला है। यहाँ से आपको दिखेगा पूरा का पूरा मेला और जो से दो रास्ते हैं वो सभी आपको दिखेंगे जाने के लिए। तो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, ये मेले का एंट्रेंस है और जो राइट में आप देख रहे हैं वहाँ से भी आप मेले में जा सकते हैं। तो जो दूर तक आप देख रहे हैं ये मेले का एंट्रेंस और दूर तक जहाँ वो झूला लगा है वहाँ तक पूरा मेला लगा है।